तो दोस्तों, मैं आज आपको रिले के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं रिले का एक इंट्रो कराऊं कि रिले क्या होता है। रिले एक कंपोनेंट है। ये इस तरह से कुछ दिखता है छोटा सा। इसके अंदर क्या होता है, कॉइल होता है और वो कॉइल ऑन या ऑफ होता है। और रिले का जो मुख्य तौर पर यूज़ किया जाता है वो गाड़ियों में किया जाता है, होम ऑटोमेशन में किया जाता है और ऐसे जगहों पे किया जाता है जहाँ पर कि एक छोटे से सिग्नल से आपको कोई बड़ा कंपोनेंट चलाना है। और हमेशा से वो सिग्नल होती है वो 5 वोल्ट की होती है, क्योंकि जो सारे आपके डीसी कंपोनेंट होते हैं, डीसी अप्लायंसेस होते हैं, वो 5 वोल्ट पे चलते हैं। और जो आपकी कोई भी चीज़ रन कर रही होती है घर में, वो 220 वोल्ट एसी पे कर रही होती है। तो उसके बीच एक इंटरमीडिएट कनेक्शन के लिए जो है रिले का यूज़ किया जाता है। तो ये रिले है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें जो वायरिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, इसके ये लोब्स क्या क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स इसमें क्या क्या होते हैं और इसका क्या क्या काम होता है। ये रिले के इसमें कनेक्शंस हैं कुछ। इसमें रिले में बेसिकली 5 एंड होते हैं। एक एंड है 12+12 वोल्ट का, एक एंड होता है ग्राउंड का और एक होता है कॉमन, जिसको जहाँ पे मान लीजिए आपको स्टार्टर रिले चलाना है तो आप स्टार्टर रिले को 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है, तो स्टार्टर रिले के लिए जो 12 वोल्ट इनपुट चाहिए होता है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और ये दो साइड निकले होते हैं, एक होता है नॉर्मली क्लोज, एक होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन का मतलब है जब रिले ऑफ होगी तो यहाँ पे पावर नहीं आएगा, और जब रिले ऑफ है तो यहाँ पे पावर आएगा। पर इसका उल्टा हो जाता है जब रिले ऑन हो जाती है। जब रिले ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मली ओपन पे पावर चले जाएगी और नॉर्मली क्लोज पे पावर नहीं जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर दे रखा है तो हमें इनिशियली क्या करना है, इसको पावर नहीं देना है। यानी कि जो हमारा साइड स्टैंड जब तक लगा होगा तब तक हमें पावर नहीं देना है स्टार्टर रिले को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो 12 वोल्ट देंगे पर हम स्टार्टर रिले की जो वायर यहाँ से जा रही होगी नॉर्मली क्लोज पे लगाएंगे, क्योंकि जब तक मेरा साइड स्टैंड ऑन होगा ये रिले ऑन होगी। तो ये रिले ऑन होगी तो इसका जो कनेक्शन है वो नॉर्मली ओपन के साथ होगा, और ये नॉर्मली ओपन जो है मेरा एक बजर को ऑन करके रखेगा। पर जैसे ही साइड स्टैंड का जो स्विच है वो रिलीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, रिले ऑफ हो जाएगा। और रिले जैसे ही ऑफ होगा आपका वायर जो है यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आएगा और जो यहाँ से 12 वोल्ट जा रहा था वो यहाँ से होते हुए आपके स्टार्टर रिले पे जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। ये रिले है जिसमें मैंने वायरिंग कर रखी है। ये तीन वायर्स आप देख रहे हो, ये वायर जो है और ये वायर जो है, ये तो कर रहे हैं, एक +12 वोल्ट पे है, एक -12 वोल्ट। और ये जो पतली सी वायर है ये है 12 वोल्ट की ही, जो कि स्टार्टर रिले को जाती है। जो स्टार्टर रिले के लिए 12 वोल्ट हम सप्लाई करेंगे वो उसकी वायर है। और इधर जो दो एंड निकले होते हैं, इधर से दो वायर हैं। एक रेड वाली वायर जो है वो स्टार्टर रिले पे जाएगी और जो पर्पल वाली है वो जाएगी बजर पे। तो इस तरह से रिले के कनेक्शंस होते हैं।